पहला तो मैं कहूँगा टाइम डेफिनेटली, क्योंकि ये एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा मांगता है, तो टाइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप और कर सकते थे वो सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो वो भी बंद हो गया था काफ़ी समय तक, बट मैं पूरी तरह से कट ऑफ नहीं हुआ था। लाइक सोशल मीडिया में भी चलाता ही था, मेरे को डांस और उसके बारे में पढ़ना पसंद था तो वो मैं करता ही था। तो इस तरह के कुछ सैक्रिफाइसेस थे और कुछ चीज़ें मैंने कंटिन्यू की जो कि आगे चलकर मेरे को इवन इंटरव्यू में भी काम आया। ये है यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव, जिन्होंने न सिर्फ परीक्षा में टॉप किया बल्कि उन्होंने हमें अपनी सफलता के कुछ अनमोल टिप्स भी दिए। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो यूपीएससी में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाए। आदित्य ने यूपीएससी की तैयारी में अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया, ये यात्रा आसान नहीं थी, धैर्य और लगन के साथ उन्होंने बार बार प्रयास किया और अंत में सफलता प्राप्त की। मैम, मेरी जर्नी तो काफ़ी पहले शुरू हुई थी सीएमएस के माध्यम से ही। तो मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग की है सीएमएस अलीगंज सेक्टरों से 15 साल, आई थिंक 1999 से 2014। उसके बाद मैंने बीटेक एमटेक डुअल डिग्री किया है आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने गोल्डन सैक्स में नौकरी की है, जैसा कि बता रहे थे पापा को। और उसके बाद मैंने यूपीएससी में 3 अटैम्प्ट दिए हैं, जिसमें तीसरे अटैम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक बनाया है। जी मैम, डेफिनेटली मेमोरीज हैं स्कूल से काफ़ी सारी, और इतना सारा ऑनर पा करके उस स्कूल से जिससे मैंने पढ़ाई की है डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैम, सो एड्रेसिंग द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, करेंटली कार्डर्स आर नॉट आउट येट, बट आई एम ऑप्टेड एज यूपी एज माय फर्स्ट प्रेफरेंस एंड आई एम होपिंग टू गेट दैट। अबाउट द सेकंड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, मैम करेंटली जिस सर्विस में मैं हूँ वहाँ पर मेरा पहला तो एम ये होगा कि इनिशियली हम एग्जीक्यूशन पार्ट में होते हैं, तो आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। उसके बाद जब आगे चल के कभी पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं हेल्थ एजुकेशन और स्पेशली चिल्ड्रन के लिए काम करना पसंद करूंगा। उनकी सफलता की कहानी में त्याग की भी बड़ी भूमिका है। आदित्य कहते हैं, मैंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कई पसंदीदा चीजों का त्याग किया, सोना, खाना और क्रिकेट खेलना जैसी गतिविधियों को सीमित किया ताकि मैं पढ़ाई में और समय दे सकूं। अपनी एक गलती से मैंने ये मेन चीज़ सीखी थी कि प्रीलिम्स में आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का मिश्रण चाहिए होता है। तो हार्ड वर्क में तो डेफिनेटली हर कोई हर प्रकार की किताबें पढ़ रहा होता है, बट स्मार्ट वर्क में एक चीज़ जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस। तो नॉट जस्ट पास्ट 10 ईयर्स जैसा हर कोई कहता है, बल्कि मेरा स्पेशल फोकस था कि मैं पिछले 3 साल के पेपर्स को ढंग से एनालाइज करूँ कि किस प्रकार गलत स्टेटमेंट या किस प्रकार सही स्टेटमेंट फ्रेम किए जा रहे हैं, ताकि मैं ऑन द स्पॉट एलिमिनेशंस अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको और इम्प्रूव कर सकूं। आदित्य का यह भी मानना है कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। उन्होंने पिछले 3 साल की यूपीएससी पेपरों का गहन अध्ययन किया और उनसे सीखा। ऑप्शन मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और रेफरेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, 14 सब्जेक्ट्स थे तो 14 किताबें थी हमारी, तो वो मैं अलग से डाल पाऊंगा, यहाँ पर बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। परेशान करने वाले सवाल एग्जैक्टली नहीं कहे जाएंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कॉर्डियल एटमोसफियर होता है। कुछ सवाल डेफिनेटली होते हैं जो आपको आते नहीं होते हैं, जैसे कि इस बार भी मेरे से एक ललिता कुमारी जजमेंट पूछा गया था जो कि उनको एक्सपेक्टेड था कि मुझे पता होना चाहिए, बट मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आ रहा था। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली होते हैं, बाकी इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आदित्य कहते हैं कि अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना जरूरी है। मेरी पिछली गलतियां मेरे लिए सीख बनी और मैंने इस बार उन्हें नहीं दोहराया। मैं ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली दो चीजों का खास ध्यान रखें। पहला कि ये एग्जाम डेफिनेटली आपका परसिवियरेंस ही चेक करता है, तो जो भी आपकी असफलता है उससे परेशान नहीं होना है। इवन मैं अपना एग्जाम्पल देके कहूँ तो पहली बार मुझे भी असफलता ही प्राप्त हुई थी, बट उस समय इम्पोर्टेंट रहता है कि आप अपने मिस्टेक्स से सीखें और इनको कैसे दूर कर सकते हैं, इस पे ध्यान दें। और दूसरा होगा कि डेफिनेटली आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपना एक डेडिकेशन और सेल्फ मोटिवेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है, कई साल लग जाते हैं। इवन फर्स्ट अटैम्प्ट में करने वालों को भी 2 साल तो लगता ही है, तो उस कंसिस्टेंसी के लिए वो सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है। इस दौरान आदित्य श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें, तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आदित्य श्रीवास्तव ने खुद पिछले पेपरों में जो गलती की थी उन गलतियों को इस बार नहीं किया, यही वजह है कि उन्हें सफलता मिल सकी। I would say definitely मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली का सपोर्ट जरूरी था इन पूरे 3-4 साल की जो मेरी जर्नी रही उस दौरान। और उसके अलावा एक मोटिवेशन ये भी था कि मुझे पता था कि मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ और उनको सुधारने का मुझ में एक अंदर से ही आता था कि
मुझे ये गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करनी है और उसके कारण मैं प्रोग्रेस कर पाया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए उन्होंने स्पेशल मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने माता पिता के साथ रहकर ही तैयारी करें, क्योंकि माता पिता समय समय पर उनको मोटिवेट करेंगे और मेंटल और इमोशनल सपोर्ट भी देंगे। लोकल 18 लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।